हम चर्चा करेंगे द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस बिफोर डिस्कशन अबाउट रूट एनाटॉमी वी मस्ट बी नोइंग अबाउट द डाइकॉट एंड मोनोकॉट. हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज देम वेदर द प्लांट इज डाइकॉट और मोनोकॉट. सो इन डाइकॉट एंड देन दिस इज व्हाट वी हैव मोनोकॉट. So in dicot, dicotyledon, or in short, dicot, monocotyledon, in short, monocot. So dicot and monocot. So how many cotyledon they have? They have two cotyledon they have, hence the name dicot. Here they have single cotyledon. Now, cotyledons are what? You might have seen the gram. चना आपने देखा होगा. चने में क्या करते हैं, उसको ऐसे तोड़ देते हैं. So, how many cotyledon are there? Two cotyledon. And rice, wheat, single, maize, single, वो monocot में आ जाएगा. ठीक है. So, gram, rice, wheat, maize, these are what? Monocot plant. Now, our simplest way to recognize a plant is monocot or dicot. Cotyledon जरूर नहीं है, आपको मिल जाए. The simplest way is you have to see the venation in the leaf. Venation. A venation क्या है? See, you might have seen the peepal tree. Peepal tree जो आपने देखा होगा शायद, उसमें इस तरीके से रहता है. This is what we call it midrib. क्या बोलते हैं इसको? Midrib. And then there are number of veins are there. So this kind of venation called reticulate venation. और जिस plant में reticulate venation है, reticulate means network. Network फैला रखा है veins का, तो वो dicot हो गया. Network है, reticulate venation है, तो कौन सा plant हो गया? वो dicot. Monocot में say for example banana. Banana leaf. See, these lines are or the veins are parallel to each other. So this is what we have, parallel venation. तो parallel venation है तो आप सीधा कह सकते हैं वो है monocot. क्या है वो? Monocot है. ठीक है. क्या है वो? Monocot है. This is the way how we can recognize whether the plant is dicot or monocot. Grass का देखिए आप, grass में किस तरीके से रहेगा? Grass इस तरीके से रहेगी. यहाँ पे lines देखिए आप. What are these? Again, the veins, they are parallel to each other. तो इसमें when I say monocot, you have to remember, you have to have in your mind the example of grass. When I say dicot, so example, see. पीपल, बनियान ट्री, बरगद का प्लांट जो होता है, नीम, मैंगो ट्री, ये सब के सब डाइकॉट है. डाइकॉट मोटे ताजे होते हैं, थिक इन नेचर, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है. अब सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है? बिकॉज दे हैव द कैम्बियम. मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होती है. तो ये भी है. ये दुबले पतले क्यों हैं? इसलिए हैं. दुबले पतले इसलिए हैं क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होती है. कैम्बियम नहीं होगी तो क्या होगा? इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है. सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती इसलिए ये कैसे नहीं होते? इनकी ये थिकनेस या गर्थ नहीं बढ़ती है. इसमें क्या होता है? दे हैव कैम्बियम. कैम्बियम होगा तो क्या करेंगे ये? इनमें होगी सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये आपका थिक, ये थिक होंगे, इनकी गर्थ बढ़ेगी. तो ये आपका हो गया सेकेंडरी ग्रोथ. तो डाइकॉट की चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है. यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती इसलिए वो दुबले पतले हैं. तो हमने आपको ये बताया अभी तक कि डाइकॉट और मोनोकॉट कैसे पहचानना है. तो आप जितने भी आसपास के प्लांट्स हैं
उनको देखें, उनको रिकॉग्नाइज करें कि वो डाइकॉट हैं या मोनोकॉट हैं, तुलसी हैं, नीम हैं, ठीक है, आम हैं, और जो भी प्लांट आपके आसपास हों उनको वेनेशन देखिए। आम है उसका पत्ता पलट के देखिए, वेनेशन, रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट होता है तो डाइकॉट है, पेडल है तो मोनोकॉट है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन वी कैन ईजली रिकोगनाइज। दुबले पतले क्यों हैं, वो मोटे ताजे क्यों हैं? दुबले पतले वो इसलिए हैं क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता, कैम्बियम नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी इसलिए वो दुबले पतले हैं। इनमें कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए ये चौड़े, मोटे, थिकनेस, गर्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने ये बताया, अब हम बात करेंगे क्या कि इनकी एनाटॉमी की चर्चा करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे डाइकॉट रूट, फिर हम देन वी विल कंपेयर इट विद द मोनोकॉट रूट, ओके। सो नाउ सी डाइकॉट रूट, तो डाइकॉट रूट में क्या है कि जो सनफ्लावर, सनफ्लावर का हम रूट ले लेंगे, वो भी डाइकॉट में ही आता है, और उसका मैच्योर्ड रूट लेंगे और उसका हम करेंगे TS, TS मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ओके, एंड देन वी विल कंपेयर इट विद द मोनोकॉट, डन। सी सी डाइकॉट रूट व्हाट वी हैव, सी सो व्हेन वी कट इट देन नंबर ऑफ लेयर्स आर देयर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस लाइक एपिडर्मिस, then cortex, then endodermis, then pericycle, then vasculomandal, then pith. First lecture में हमने आपको बताया था, वो आपको याद होगा, और वो याद तो करना ही है, बिना उसके तो anatomy समझ में ना आएगी। देखिए किस तरीके से, सबसे पहली layer है द फर्स्ट layer, that is epidermis। ये देखिए आपका कौन सी layer बन रही है, ये epidermis, this is epidermis, और root की जो epidermis होती है उसको बोलते हैं epiblema, राइजोडर्मिस, और वी कैन से रूट एपिडर्मिस, ठीक है, रूट की जो एपिडर्मिस है उसके एपिडर्मिस, सारे नाम हो गए, ठीक है, ओके। एंड देन सेकेंड, जो एपिडर्मिस है वो किसकी बनी है, दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, किसकी बनी है, ये पैरेन्काइमा की है बनी है, पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा है तो कैसी होंगी, ये थिन वॉल्ड होंगी, कैसी होंगी, थिन वॉल्ड। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी चलेगा, कहाँ पर, मोनोकॉट रूट में, कहीं कोई नहीं है, सेम कंसेप्ट जो आपने यहाँ पढ़ा एपिडर्मिस इधर भी होगी। नेक्स्ट आपका है अनदर लेयर, ओके, सो देयर इज एक्सटेंशन ऑफ ऑप्टिट्यूड this unicellular hair, what we call it, root hairs, कैसे होते हैं, they are unicellular and they are extension of what, epiblema, epiblema से ही protrude होते हैं, निकलते हैं, extension है। next layer what we have, see this is what we have, this is cortex, so below the epiblema what we have cortex layer, again the cortex made up of parenchyma which has thin walled, same concept, इधर भी second cortex, second layer कौन सी होगी, cortex, पहली layer कौन सी होगी, epiblema, these are same, okay, now below this cortex what we have some layers, these layers, that is layer known as endodermis, what we call it, endodermis, endodermis also known as innermost layer of cortex, kya bolte hain isko, bahut badhiya question kya aa gaya, this is known as innermost layer of cortex, done, endodermis, and that's endodermis that has
number of, you know, like radial and tangential, like the bands. Dikh rahi hai aapko? Done. First of all, what kind of cells these are? So, idhar bhi hoti hai endodermis. So, the cells are barrel shaped. कैसी होती हैं ये? बैरल शेप्ड होती हैं, ढोलक के आकार की, नाल के आकार की, नालाकार, ठीक है. एंड दे हैव डिपोजिशन. तो इनमें क्या होता है? इनमें होता है डिपोजिशन होता है. क्या होता है इनमें? डिपोजिशन होता है. एक मिनट ही ले लो. होता है डिपोजिशन होता है इनमें, ठीक है. सो दे हैव डिपोजिशन ऑफ सोवरेन. इनमें और सोवरेन क्या है? सोवरेन है बैक्सी मटेरियल. तो जो आपको बैंड दिख रहे हैं, ठीक है, इनमें सोवरेन का डिपोजिशन है. एंड दिस बैंड्स आर कॉल्ड कैस्पेरियन बैंड्स और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो साइंटिस्ट कैस्पेरी, इन्होंने सबसे पहले देखा था, इसलिए नाम रख दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो ये कहाँ पाती हैं? ये डिपोजिशन कहाँ होता है? डिपोजिशन होता है दोनों जगह, आपके रेडियल एंड ट्रांजेंशियल वॉल, दोनों जगह होगा. जो डिपोजिशन है सोवरेन का कहाँ होगा? दोनों जगह, ठीक है. तो इधर भी होगा आपका एंडोडर्मिस, सब कुछ सेम है, ठीक है. ओके, वन मोर पॉइंट इज देयर. देयर आर सम सेल्स वेयर डिपोजिशन इज नॉट देयर. एक पॉइंट और इसका, इसमें स्ट्रिप्स दिख रही है आपको, कैस्पियन स्ट्रिप्स. डिपोजिशन गाय का है? सोवरेन का है. सोवरेन का है, दैट्स वाई दे आर. सोवरेन क्या है? वैक्सी मटेरियल है. तो वैक्स क्या करेगी? इट इज इम्परमेबल फॉर वाटर. किसके लिए होती हैं? दिस इज ऑल्सो डिपोजिशन ऑफ सोवेरिन. तो कैसा होता है? दैट इज इम्परमिएबल, इम्परमिएबल फॉर वाटर. पानी अंदर नहीं आ पाता है. तो ये किस तरह काम करती हैं? दिस एंडोडर्मिस ऑल्सो नोन एज चेक डैम. डैम होता है, पानी को रोकता है, उस तरीके से ये भी, ठीक है. बट इन एंडोडर्मिस देयर आर सम सेल वेयर डिपोजिशन इज नॉट प्रेजेंट. तो दीज सेल्स नोन एज पथ सेल्स, पैसेज सेल्स. व्हाट वी कॉल इट? पैसेज सेल्स. इनको हम बोलते हैं पैसेज सेल्स. ये सेल्स क्या हैं? कोई भी यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, घूमते घामते, वाटर वाटर और इन मिनरल्स, तो यहीं से एंट्री करेंगे, ठीक है. ओके, so this is what we call passage cells, those cells of endodermis which are not having deposition of sovereign, not having deposition, and result in the water or the minerals, they come through passage cell. Passage matlab rasta hota hai, ye yahan se rasta hai inka, yahan se nahi aa sakte. Water yahan se nahi aa sakta, water yahan se nahi aa sakta because deposition. Okay, so another layer what we have, pericycle. कौन सी लेयर है ये? ये है आपका पेरिसाइकिल. डन. व्हाट आर दिस? पेरिसाइकिल. तो पेरिसाइकिल को हम थोड़ा सा ना ऐसे बना लेंगे इस तरीके से. दिस इज होल पेरिसाइकिल. तो यहाँ पे आपका पेरिसाइकिल की लेयर आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है. ये पेरिसाइकिल होगी. सो इनसाइड द पेरिसाइकिल व्हाट वी हैव? वी हैव लाइक तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये देखिए यहां पे भी क्या, ये देखिए आप, ये जाइलम है. जाइलम में ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? प्रोटोजाइलम.
ये वाला जो है वो क्या है, मेटाजाइलम, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, पिथ। ओके, तो पेरिसाइकिल की चर्चा कर लेते हैं। पेरिसाइकिल के बारे में हम क्या बात करेंगे, पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल कई सारे काम करती है, जैसे क्या, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डाइकॉट में होगी सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट में नहीं होती है, तो उसके लिए चाहिए कैम्बियम, तो कैम्बियम फॉर्मेशन करती है। तो क्या काम करेगी पेरिसाइकिल, एक तो फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, ओके, अनदर एस्पेक्ट व्हाट वी हैव, लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स जो हैं वो भी यही बनाते हैं। लेटरल रूट्स एंडोजीनस होती हैं, कैसी होती हैं, एंडोजीनस इन नेचर, और ये बाहर से बन रहे हैं रूट हेयर्स, तो रूट हेयर्स कैसे होते हैं, एग्जोजीनस। अब कैसे देखेंगे इनको, से फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको देख लो, जैसे कि यहाँ पे हम लेयर बना दें, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, ये है आपका पेरिसाइकिल। तो यहाँ से निकलती हैं लेटरल रूट्स, तो ये क्या हो गई, अंदर से निकल रही हैं, अंदर लेयर्स लग रही, इसलिए कैसी हो गई, एंडोजीनस, और रूट हेयर्स तो यहीं से निकलते हैं बाहर, तो ये कैसे हो गए, रूट हेयर्स एग्जोजीनस, ये कैसे हो गई, एंडोजीनस। थर्ड आस्पेक्ट इनका रहेगा क्या, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कॉर्क कैम्बियम, तो कॉर्क कैम्बियम भी कौन बनाता है, पेरिसाइकिल। तो थ्री एस्पेक्ट्स आर देयर, ठीक है, तो ये आपका होती है। लेटरल रूट्स यहाँ पे भी होती हैं, लेटरल रूट्स तो यहाँ पे भी होंगी, यहाँ पे केवल लेटरल रूट्स होंगी, ठीक है। इसमें वैस्कुलर कैम्बियम बनती है क्या, इसमें वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होती है, नहीं होती है, लेटरल रूट्स होगी और कॉर्क कैम्बियम भी इसमें नहीं होती है, मोनोकॉट में कॉर्क कैम्बियम नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेटरल रूट्स, ओनली लेटरल रूट्स इन केस ऑफ मोनोकॉट, ओके। नाउ सी जाइलम, एंड देन यहाँ पैचेस होते हैं, जाइलम फ्लोएम अलग अलग जगह पे है, जाइलम फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, ये अलग अलग रेडियस पर हैं जाइलम फ्लोएम, इनको आपने डायग्राम में ऐसे भी देखा होगा, इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, तो ये जाइलम फ्लोएम क्या है, अलग अलग रेडियस पर हैं, ठीक है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं, वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, कैसे वैस्कुलर बंडल होते हैं, इनमें रेडियल बंडल होते हैं, रेडियल, बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम दे आर, जाइलम फ्लोएम कैसे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम कैसे हैं, एट डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, ओके, तो इसलिए इनको रेडियल बोलते हैं। एंड जाइलम फ्लोएम ऐसे हो गए, जाइलम फ्लोएम के बीच में यहाँ पर पैरेन्काइमा के टिश्यूज पाए जाते हैं, इन टिश्यूज को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यूज, क्या बोलते हैं इनको हम, कंजक्टिव टिश्यूज, प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, कंजक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और ये किसके बने होते हैं, ये भी पेरेन्काइमा के, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, ये भी यहाँ पे भी कंजक्टिव टिश्यूज हैं, ये भी किसके बने हैं, पेरेन्काइमा के बने हुए हैं, ठीक है, ओके। ये कंजक्टिव टिश्यूज किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, ठीक है, ओके। नाउ नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल कितने हैं, जितने जाइलम है उतने ही फ्लोएम है, तो हमें एक को एक काउंट करना है, जाइलम या फ्लोएम, तो जाइलम काउंट करिए 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल कितने होते हैं, नंबर, नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें होते हैं 2 2 4, इसके लिए बोलते हैं टेट्रा कंडीशन, टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, गॉट इट, ओके। अनदर कंसेप्ट व्हाट वी हैव, द पिथ, पिथ कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिथ कैसी होती है भाई,
पित कैसी होती है? पित अगर हम देखें तो पित इसकी कैसी होती है? पित होती है स्मॉल इनकॉन्सिपिक्यूअस। कैसी होती है? दे हैव पित। पित कैसी होती है? स्मॉल एंड इन कॉन्सपिक्यूअस। ठीक है, इनकॉन्सपिक्यूअस मतलब कैसी होती है? अस्पष्ट, दिखाई नहीं देती है, छोटी है ना इसलिए दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर लें तो यहाँ पे हम जब देखेंगे बाकी कहानी समझ में आपको आ गई होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे दिस इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल ऊपर लेयर कौन सी होती है? दैट इज एंडोडर्मिस। ओके, पेरिसाइकिल। देन हियर इसमें नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल कितने होते हैं? देखो, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू डाइकॉट। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो ये नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये डिफरेंस हो गया, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल कितने होते हैं? मोर देन 6, मोर देन 6, यानी कि 6 से ज्यादा होंगे। इसमें लेस देन 6 हो गए, ये जालम गिन लिया आपने। अब देखिए फ्लोएम भी होंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे भी कंजक्ट टिश्यूज होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पे पिथ, पिथ देखिए बड़ी दिख रही है आपको इसे कंपैरिजन में, यहाँ पिथ छोटी है, यहाँ पिथ बहुत बड़ी है। तो पिथ कैसी है? लार्ज एंड कॉन्सपिक्यूअस। पिथ कैसी है? लार्ज है एंड कॉन्सपिक्यूअस, मतलब कैसी है? स्पष्ट है, स्पष्ट है, दिखेगी आपको। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट दिस डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं जो डिफरेंस है, बाकी सेम कहानी चलती है। एपिडर्मस यहाँ पे भी है, एपिडर्मस वहाँ पे भी, इसको एपिब्लेमा कहते हैं, है ना। राइजोडर्मस, रूट एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, मैनी लेयर्स, पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड, इनर मोस्ट लेयर, एंडोडर्मिस। उधर भी एंडोडर्मस है, कैसी होती है? बैरल शेप्ड होती है, डिपोजिशन होता है सुब्रेन का। तो हम सुब्रेन क्या है? बैक्सी मटेरियल है, और बैक्सी मटेरियल है तो वो पानी को अंदर नहीं आने देगा, इम्परमिएबल फॉर वाटर। दिस स्ट्रिप्स फर्स्ट टाइम सीन बाय कैस्पेरियन कैस्पेरी, सो नेम्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और इनका डिपोजिशन कहाँ होता है? रेडियल वॉल या टेंजेंशियल, आपको ध्यान रखना है दोनों वॉल पे, रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल, दोनों वॉल पे ही आपका, इधर भी ऐसे में भी और ऐसे में भी, सब जगह होगा डिपोजिशन। देर आर सम सेल्स विच आर नॉट हैविंग डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन, दे आर नॉट हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, सो वॉट वी कॉल इट पैसेज सेल, थ्रू विच द वाटर एंड मिनरल्स एंड पैसेज एंड कम वेयर टू द प्रोटोजाइलम। ओके, सो दिस इज द पैसेज सेल इज फाउंड वेयर अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम। देखिए प्रोटोजाइलम क्यों, क्योंकि यहीं तो आना है, फिर यहाँ आना है, फिर ऐसे डन। अब हम प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एग्जार्क देख लेते हैं कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ओके, क्या क्या देखा हमने? देखा डाइकॉट, मोनोकॉट रूट, हमने क्या देखा? द फर्स्ट लेयर, व्हाट वी कॉल इट एपिडर्मिस, इधर भी क्या है? एपिडर्मिस नोन एज एपिब्लेमा, क्या बोलते हैं इसको? एपिब्लेमा कहते हैं, रूट एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। पैरेन्काइमा की बनी है, थिन वॉल्ड है बस। नेक्स्ट लेयर, नंबर ऑफ व्हाट वी कॉल्ड इट, ये तो आपका एपिडर्मिस हो गई, ये आपका हो गया कॉर्टेक्स, ये भी किसका बना है? पैरेन्काइमा। कैसी सेल्स होगी? थिन वॉल्ड, यहाँ पे भी कॉर्टेक्स, ठीक है, सेम लेयर। नेक्स्ट क्या है? एंडोडर्मिस, इसमें क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, डिपोजिशन, रेडियल, टेंजेंशियल वॉल, कौन सी लेयर होगी? एंडो
डर्मिस, इधर भी क्या हो गई, एंडो डर्मिस, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर कौन सी है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कैसी है, पेरिसाइकिल ये भी किसकी बनी है, पेरेन्काइमा। कैसी होती है, थिक। तो पेरिसाइकिल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, फिर हमने देखा था कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे साइड बाई साइड में क्या है, फ्लोएम है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एंडोडर्मिस, देन नेक्स्ट लेयर व्हाट वी है, पेरिसाइकिल। इसमें भी क्या हो गया, नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल में हम देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से, उसमें नंबर ऑफ एस्ट्रोडल ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू, ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस है, अच्छा पेरिसाइकिल क्या काम करती है, यहाँ पहले हम देखा था क्या, वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसमें, लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स का। और तीसरा है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ देखें इसमें, इसमें पेरिसाइकिल एक ही काम करेगी, कौन सा, केवल लेटरल रूट्स। किस केस में, मोनोकॉट में, बस। कैम्बियम यहाँ नहीं होती है, इनमें कैम्बियम नहीं होती है। कैम्बियम नहीं होगी तो क्या होगा, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी, यानी कि गर्थ सरकमफ्रेंस नहीं बढ़ेगा। इसलिए तो मोटे होते हैं, वो पतले होते हैं, कैम्बियम नहीं होती। मोटाई जो है वो कैम्बियम बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पिथ, कंजक्टिव टिश्यूज। तो यहाँ हम थोड़ा सा कंजक्टिव टिश्यूज के बारे में बात कर लें, किसके बने हैं, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। ओके, लाइक बिटवीन, किसके बीच में है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। रोल क्या है, दे आल्सो हेल्प इन वैस्कुलर कैम्बियम, ये भी बनाते हैं वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन में रोल है इनका, पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम सेकेंडरी ग्रोथ पे देखेंगे, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये मेन डिफरेंस है, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, बंडल कितने होते हैं, 2, 2, 4, जनरली 4 होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, ये टेट्रार्क, क्या बोल रहे हैं, टेट्रार्क। यहाँ नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल कितने होते हैं, नंबर ऑफ कितने होते हैं, मोर देन 6 से ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतने ही फ्लेम होंगे, इस तरीके से फ्लेम लगा दो, फ्लेम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, एक्सार्क और एंडार्क की। हाँ, तो ये आपका मेन डिफरेंस हो गया नंबर ऑफ वेस्टमंडल पे। इसमें पिथ कैसी होती है, पिथ होती है लार्ज। ये भी दूसरा मेजर डिफरेंस है, डाइकॉट मोनोकॉट लार्ज एंड कॉन्सपिक्यूअस। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट होती है। इसमें पिथ कैसी होती है, इसमें पिथ होती है स्मॉल एंड इन कॉन्सपिक्यूअस। पिथ पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अब मैं बता दूं ट्रिक। डाइकॉट स्टेम में आप डायग्राम देखेंगे, बड़ा सा पिथ है स्टेम में, बड़ा है रूट में छोटा होगा, ठीक है। और ठीक है, अब स्टील एक वर्ड आएगा, स्टील क्या है, तो उन्होंने कहा कि एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा पार्ट, दैट इंक्लूड पेरिसाइकिल एंड ऑल, दिस इज व्हाट वी कॉल डेड स्टील। क्या बोलते हैं इसको, स्टील। तो इसमें क्या आएगा, पेरिसाइकिल आएगा, जाइलम आएंगे, फ्लोएम आएंगे, जाइलम, फ्लोएम, पिथ, ये सब स्टील के पार्ट हैं। डन,
अब एग्जार्क और एंडार्क समझ लेते हैं क्या कंडीशन है। ठीक है, एग्जार्क और एंडार्क देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, रूट में होती है एग्जार्क कंडीशन। इसमें कैसे करेंगे, जो प्रोटोजालम है वो पेरीफेरी की ओर होता है, कहाँ की तरफ होता है, पेरीसाइकिल की ओर, और मेटाजालम कहाँ होता है, पित्त की ओर, अंदर की ओर, सेंटर की ओर। मेटाजालम सेंटर की ओर, प्रोटोजालम बाहर की ओर। देखो दिस इज प्रोटोजालम, कहाँ पे है, बाहर की तरफ है। मेटाजालम कहाँ की तरफ है, ये बड़ा वाला जालम है, कहाँ की ओर है, पृथ्वी। दैट कंडीशन प्रोटोजालम बाहर, एग्जिट एग्जार्क। प्रोटोजालम को बेसिस पे आप देख सकते हैं, प्रोटोजालम देख लो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। तो इसमें प्रोटो रूट में, चाहे डाइकोट रूट हो चाहे मोनोकोट रूट, प्रोटोजालम हमेशा बाहर की ओर ही रहेगा, कंडीशन कॉल्ड एक्सार। ठीक है, तो इसमें भी कैसी कंडीशन है, देखो प्रोटोजालम कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ, पेरिसाइकिल की ओर। मेटाजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम, कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो दिस कंडीशन व्हाट वी कॉल्ड इट, एक्सार। तो रूट में हमेशा हमेशा एग्जार्क कंडीशन होगी। इस टाइम में उल्टा होता है, प्रोटोजालम अंदर, मेटाजालम बाहर, कंडीशन एंडार्क। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ हमने क्या कहा, टेटार्क नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल के बेसिस पर है, जनरली 2 to 4, जनरली 4 रहते हैं, इसलिए टेटार्क। यहाँ पे मोर देन 6, जिसको बोलते हैं पॉलीआर्क। क्या बोलते हैं, पॉलीआर्क। दिस इज व्हाट वी हैव सीन अबाउट द डाइकोट एंड मोनोकोट रूट डिफरेंस। तो आपको एक लाइन याद करनी है बस, केवल ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये वाला कि इसमें कैम्बियम होता है, ठीक है, कैम्बियम कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम, और एक डिफरेंस ये हो गया आपका नंबर ऑफ वैस्कुलर मंडल, और तीसरा डिफरेंस क्या हो गया, बाकी बिल्कुल एज सच सेम रहेंगे। ठीक है, ओके, गुड लक। ओके, नाउ सी, जस्ट हैव ए क्विक व्यू ऑफ एनसीईआरटी डायग्राम। नाउ सी व्हाट वी हैव हियर, दिस इज एपिडर्मस नोन एज एपिब्लेमा। रूट हेयर्स दे आर यूनिसेलुलर एंड एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल एंड एक्सोजीनस इन नेचर। एक्सोजीनस क्योंकि यहीं से निकल रहे हैं, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेयर दिख रही है आपको, दिस इज व्हाट वी कॉल इट कॉर्टेक्स। इसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, एंड पैरेन्काइमा कैसी होती है, थिन वॉल्ड। इवन ये भी पैरेन्काइमा ही है, जो एपिडर्मिस से वो भी इसकी बनी है, पैरेन्काइमा, एंड पैरेन्काइमा इज व्हाट, थिन वॉल्ड। डन, ओके, देन सी हियर, दिस इज व्हाट वी हैव एंडोडर्मिस, दिस इज कॉल्ड इनर मोस्ट लेयर, लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंडोडर्मिस दैट हैव स्ट्रिप्स, सुबेरिन कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, यू नो बैक्सी मटेरियल, क्या नाम उसका, सुबेरिन डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का बैक्सी मटेरियल है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है डिपोजिशन का, एंड गैक्स के कारण कैसे होती है, वाटर इनपर्मीबल होती है। ठीक है, और कहाँ होता है, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल दोनों पर होता है, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मस सेल्स। दिस इज व्हाट वी है, देयर आर दे आर हैविंग सम पैसेज सेल थ्रू व्हिच द वाटर एंड मिनरल्स दे कम इनसाइड। ओके, नाउ पेरिसाइकिल, सो inside this one the whole part what we called it steel, steel में क्या क्या आएगा, pericycle, protozoan, metazoan, pith, phloem, ये सब steel, यानी कि endodermis के अंदर जितना भी part है वो सब steel कहलाता है। ठीक है, now see here number of vascular bundle, तो number of vascular bundle कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, कितने हैं, जाइलम की संख्या देख लो, वो रहे जनरली 2 to 4 होते हैं, लेकिन चार हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं आप, टेट्रार्क कंडीशन। ठीक है, देखो, एंड देन हियर वी हैव व्हाट वी हैव, फ्लोइंग, व्हाट काइंड ऑफ वैस्कुलर बंडल दे आर, दे हैव रेडियल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, एंड देन पिथ, पिथ कैसी है, पिथ जो है वो इनकॉन्सिपिकस होती है, स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, ये देख लिखा होगा, पिथ कैसी है, द पिथ इज स्मॉल एंड। पेरिसाइकिल में लेटरल रूट्स वगैरह वो आपने पढ़ ही लिया है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। देखिए रूट हेयर से एपिडर्मिस, दिस कॉर्टेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, देन एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, देन देयर आर सम लेयर्स ऑफ पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल लेयर कैसी है, थिक है, कैसी लेयर है, थिक लेयर ऑफ पेरिसाइकिल, ये
आपका हो गया एनसीईआरटी का डायग्राम, नंबर ऑफ जितने जालम उतनी फ्लोइंग टेट्रार कंडीशन, एक्सआर कंडीशन भी होती है क्योंकि प्रोटोजालम बाहर की तरफ मेटाजालम अंदर की तरफ, तो ये कंडीशन कैसे बनती है एक्सआर। ठीक ओके नेक्स्ट नाउ सी दिस इज व्हाट वी है मोनोकॉट रूट, तो मोनोकॉट रूट में सेम सब कुछ सेम रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखिए एपिडर्मिस रूट हियर कॉर्टेक्स इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल यहां पे लैटरल रूट्स बनाएगी, ओनली लैटरल रूट्स, लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन करेगी, कैम्बियम नहीं बनाती है। नंबर ऑफ ये देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वैस्कुलर बंडल नंबर कितना है वैस्कुलर बंडल मोर देन 6, ये डिफरेंस है, उसको बोलते हैं पॉली आर्क कंडीशन, क्या बोलते हैं पॉली आर्क। और क्या डिफरेंस है इसमें पिच जो है ना वो कैसी होती है दैट इज कॉन्सिक्यूटियस लार्ज देन कॉन्सिक्यूटियस कॉन्सिक्यूटियस इन कंपैरिजन टू डाइकॉट, कॉन्सिक्यूटियस मतलब स्पष्ट। ठीक है तो ये डिफरेंस हो गया, इनमें क्या होता है इनमें कैम्बियम नहीं होती है, कैम्बियम नहीं होती है तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। किसकी बात कर रहे हैं अपन मोनोकॉट रूट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मोनोकॉट रूट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ओके।